एक बार फिर से सभी लोगों का हमारे क्लास में वेलकम किया जाता है। और आज के क्लास में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जिसमें हमें न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। और पहले क्लास का टॉपिक या नाम हमने बना रखा है कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है थोड़ा उसकी बात करेंगे, और थोड़ी बात आइसोटोप्स की करेंगे, उनके नेचुरल एबंडेंस की करेंगे। कोई भी एटम हम देखें, जैसे कार्बन एटम, नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, सोडियम, आयरन, कोई भी एटम, तो उस एटम में दो पार्ट होता है, एक तो सेंट्रल पार्ट जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और दूसरा उसके बाहर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक होता है सेंट्रल पार्ट जिसे हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, दूसरा उसके बाहर का हिस्सा जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हम जानते हैं कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, प्रोटॉन का जो मास है वो करीब करीब 1.000727 amu होता है, न्यूट्रॉन का जो मास है वो 1.0008, एक और जीरो इसी में होता है, ये जीरो कम हो गया, 000 एंड वन मोर जीरो, देन 727, और यहां भी एक और जीरो, देन 866 amu होता है। तो लमसम रफली हम लोग इस पार्ट को अगर छोड़ दें तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन का जो मास है वो भी 1 amu के लगभग बराबर है, और न्यूट्रॉन का जो मास है वो भी लगभग लगभग 1 amu के ही बराबर है, और इलेक्ट्रॉन जो है बहुत हल्का है इनके सामने, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है 0.0005486 amu। तो इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से अगर तुलना करें तो करीब करीब 2000 गुना हल्का है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो है करीब करीब इनसे 2000 गुना हल्का है, बहुत हल्का है। तो जो एटम का मास है वो इस न्यूक्लियस से आता है, एटम का जो भी मास होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों का रोल बहुत कम है, तो हम मान सकते हैं कि एटम का जो भी मास है वो ऑलमोस्ट न्यूक्लियस से ही आ रहा है। और इस चैप्टर में हमें इसी न्यूक्लियस की स्टडी करनी है। करेक्ट, एटम का जो मास है वो बहुत तरह से या काफी तरह से या काफी ज्यादा इस न्यूक्लियस के ऊपर ही डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत हल्का है, और हमें इस चैप्टर में न्यूक्लियस की स्टडी करनी है। पूरी केमिस्ट्री में हम मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रॉनों के साथ ही चिपके रहते हैं, और सब कुछ हम इलेक्ट्रॉनों के बेसिस पर ही एक्सप्लेन करते हैं कि कौन किससे रिएक्शन करेगा, कौन रिएक्शन नहीं करेगा, कहाँ अट्रैक्शन होगा, कहाँ अट्रैक्शन कम होगा, कौन तेजी से रिएक्शन करेगा, कौन धीरे धीरे रिएक्शन करेगा, सभी चीजें इलेक्ट्रॉनों से ही कंट्रोल होती है। इलेक्ट्रॉनों का हम कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं निकालते हैं, कहीं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो पूरी केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करते रहते हैं, न्यूक्लियस की बात करने का मौका बहुत कम मिलता है। इस चैप्टर में हम न्यूक्लियस की बात करेंगे, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस से क्या होता है वगैरह वगैरह। तो न्यूक्लियस का कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन तो हमने बताया दिया कि भाई न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि एटम का जो वजन है वो ऑलमोस्ट इस न्यूक्लियस के कारण है, इलेक्ट्रॉन का वजन जो है बहुत कम है। ठीक है, अब किसी न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होता है उसको उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं। अब आ जाए हमारे न्यूक्लियस के लिए कॉम्पोजिशन, इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा हम नहीं देते। तो न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उनको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, या फिर ये कह सकते हो कि किसी एटम का जो एटॉमिक नंबर है उसमें उतने ही प्रोटॉन है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स मिलेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो इसके न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन मिलेंगे, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो इसके न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन मिलेंगे। तो कुछ ऐसा, तो एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन का नंबर आपस में इक्वल है। अब चाहे तुम इसको ये कह दो चाहे इसको ये कह दो, वैसे कहा जाता है डेफिनेशन यही है कि एटॉमिक नंबर
is the number of protons in the nucleus. Atomic number जो है nucleus में जितना proton होता है उसी को हम atomic number कहते हैं. किसी nucleus में proton और neutron जितना मिला करके है उसको हम बोलते हैं mass number. Okay, जैसे मान लो sodium का nucleus है, atomic number sodium का होता है 11, मतलब इसके nucleus में 11 protons होंगे. ठीक है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11, तो इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स होंगे. मास नंबर 23, तो इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में कुल मिला करके 23 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. 11 प्रोटॉन है और कुल मिला करके 23 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. इसमें से अगर इसको माइनस कर दो 23 में से 11 जाएगा, बच जाएगा 12. तो 12 न्यूट्रॉन जो है सोडियम के न्यूक्लियस में पाए जाएंगे. तो यहां से सीधे सीधे एटॉमिक नंबर से सीधे सीधे प्रोटॉन का पता चल जाता है और मास नंबर जैसे एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो न्यूट्रॉन का पता चल जाता है. अब जैसे हम कार्बन को देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मतलब इसमें हमेशा 6 प्रोटॉन पाए जाएंगे. न्यूट्रॉन कितना होगा वो हम तब बता पाएंगे जब हमें मास नंबर पता हो. ठीक है, एटॉमिक नंबर तो हम याद रख सकते हैं क्योंकि पीरियडिक टेबल के बारे में जानते हो. एटॉमिक नंबर सीरियल वाइज बढ़ता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस तरह से एटॉमिक नंबर आसानी से याद रखा जा सकता है. नंबर ऑफ प्रोटॉन आसानी से याद रखा जा सकता है, लेकिन मास नंबर जो है वो सीरियल वाइज नहीं चेंज होता है, वो थोड़ा सा इरेगुलरली चेंज होता है. बढ़ता वो भी रहता है धीरे धीरे, लेकिन उतना रेगुलर तरीके से नहीं बढ़ता है कि हम सीधे बता दें. तो मास नंबर हम सबका याद नहीं कर सकते, दो चार एग्जाम्पल अपने यहाँ पे याद हो जाए तो उसकी बात दूसरी है, लेकिन मास नंबर हमें कोई याद करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है क्योंकि उसको याद करना आसान नहीं या उसको याद नहीं किया जा सकता, ये भी बोलो तो ज्यादा बेटर है. ठीक है, तो मास नंबर जब भी जरूरत पड़ती है प्रश्न में दिया जाता है कि इसका मास नंबर इतना, उसका मास नंबर उतना, और तब जाकर के हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता पाते हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन हम सीधे बता देंगे, जैसे आयरन में कितना प्रोटॉन है तो हम कहेंगे ये पीरियडिक टेबल का एलिमेंट नंबर 26 है, इसमें 26 प्रोटॉन होंगे. अब कोई पूछे कि आयरन में कितना न्यूट्रॉन है तो हम कहेंगे देखिए न्यूट्रॉन बताना जो है हमारे बस में नहीं है जब तक कि आप इसका मास नंबर हमें न बताएं. तो अगर कोई बता दिया कि ये लो आयरन का, अच्छा मास नंबर ले लो भाई, मास नंबर है 56, तो हम कहेंगे ठीक है अब हम बता देंगे इसका मास नंबर है 56, एटॉमिक नंबर हम जानते हैं कि 26 होता है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम, इसमें 23 न्यूट्रॉन जो है मिलेंगे. ठीक है, अगले दिन फिर आया, फिर से वही प्रश्न पूछा, अच्छा आप बताओ आयरन में कितना न्यूट्रॉन है, तो हम कहेंगे देखिए फिर से हमको क्षमा कीजिए किंतु जो है हम तभी आंसर दे पाएंगे जब आप हमें मास नंबर फिर से बताएं. तो यार कल तो बताया था तुम आज फिर भूल गए, हम कहे हाँ ये भूलने की चीज है, इसको याद नहीं रखा जा सकता, तो आपको फिर से बताना ही पड़ेगा. अगर आपको न्यूट्रॉन चाहिए फिर से मास नंबर बताओ. अगले दिन उसने बताया आयरन का मास नंबर जो है 57 है, तो हम कहेंगे एटॉमिक नंबर जो है 26 होता है, 57 में से 26 माइनस कर दो मतलब 31 न्यूट्रॉन. लेकिन इसके साथ साथ हमारे दिमाग में यह भी आएगा कि कल तो इसने 56 बताया था और आज जो है 57 बता दिया. उनसे कहेंगे कल तुमने यार 56 बताया था भाई और हमने 30 कैलकुलेट करके बताया था आंसर और आज तुम 57 बता रहे हो और हमने 31 कैलकुलेट कर दिया है, रोज रोज ऐसा अलग अलग क्यों बता रहे हैं. तो वो भी बताएगा कि जो मास नंबर होता है फिक्स नहीं होता है, वो बदलता रहता है. ठीक है ना, मास नंबर चेंज हो सकता है. किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर तो बिल्कुल फिक्स होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है बिल्कुल फिक्स होता है. आयरन है उसमें 26 प्रोटॉन होगा ये फिक्स्ड है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है 30 ही होगा ये फिक्स्ड नहीं है. आयरन में 30 न्यूट्रॉन भी हो सकता है, आयरन में 31 न्यूट्रॉन भी हो सकता है, उसका मास नंबर 56 भी हो सकता है, मास नंबर 57 भी हो सकता है. क्या ये दोनों आयरन अलग अलग है, तो आंसर है यस. ये दोनों को तुम भाई मान सकते हो कि ये आयरन है ये उसका बड़ा भाई है, 57 58 भी हो सकता है, 59 भी हो सकता है. तो आयरन के कई भाई बहन हो सकते हैं जिनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स. तो इसी तरह से जितने भी एलिमेंट्स है पीरियडिक टेबल में सबके अंदर प्रोटॉन का नंबर तो फिक्स है लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर फिक्स नहीं होता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, मतलब कई भाई बहन है. कार्बन के भी 3 भाई बहन है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14.
एटॉमिक नंबर सबका सेम है, 6, 6 and 6, मतलब सब में 6-6 प्रोटॉन्स है, लेकिन न्यूट्रॉन्स जो है सब में इक्वल नहीं है। इसमें 14 में से 6 को माइनस करो बचेगा 8, तो इसमें 8 न्यूट्रॉन है। 13 में से 6 माइनस करो बचेगा 7, इसमें 7 न्यूट्रॉन है। और इसमें 12 में से 6 माइनस करो तो बचेगा 6, तो इसके पास जो है 6 न्यूट्रॉन्स है। तो कार्बन के 3 भाई बहन कुल, मतलब कार्बन कुल मिलाकर के 3 भाई बहन है, जिनको हम बोलते हैं कि तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स क्या है? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर अलग अलग हो, जिनमें प्रोटॉन का नंबर सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग हो, उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। तो पीरियडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके दो दो तीन तीन आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप में डिफरेंस किस चीज का है? न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का डिफरेंस है, प्रोटॉन सेम रहेगा लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग रहेगा। इसी तरह से सोडियम देखोगे तो सोडियम के अंदर क्या होगा, उसमें भी कई तरह का स्टोरी चलता है। सोडियम एटॉमिक नंबर तो फिक्स्ड है 11, इसमें 11 प्रोटॉन होगा, लेकिन मास नंबर 23 भी हो सकता है, मास नंबर 24 भी हो सकता है, थोड़ा मेहनत कर तो 25 और 26 वाले भी बनाए जा सकते हैं। तो कुछ भाई बहन जो है नेचुरली पाए जाते हैं, नेचर में अपने आप पाए जाते हैं, हमें कुछ नहीं करना होता। जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 नेचर में मौजूद है, पाए जाते हैं, लेकिन लेबोरेटरी में बहुत ज्यादा मेहनत किया जाए तो हो सकता है कार्बन 15 और कार्बन 16 भी बन जाए। तो हम आर्टिफिशियल तरीके से इनकी और भी भाई बहन तैयार कर सकते हैं, मतलब और भी आइसोटोप्स तैयार कर सकते हैं। तो पीरियडिक टेबल में जितने भी सिंबल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबके दो दो तीन तीन भाई बहन लोन है, किसी के 8-8, 10-10 भी है, और हम चाहें तो लैब में मेहनत करके इसका नंबर और भी बढ़ा सकते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है। तो ये कह पाना कि किसी एलिमेंट का कितना आइसोटोप है ये भी थोड़ा मुश्किल है, नेचुरली कितना है ये कह सकते हैं कि हाँ कार्बन के 3 नेचुरल आइसोटोप्स है, लेकिन हाँ लैब में हम और भी आइसोटोप्स कार्बन के बना सकते हैं, करेक्ट, लैब में हम और भी आइसोटोप्स कार्बन के बना सकते हैं। तो नेचुरल अबंडेंस का मतलब क्या है कि नेचर में ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, तो जनरली 99% के आसपास, 98-99% हमें एग्जैक्टली तो नहीं याद है कि कितना परसेंट होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कार्बन जो हमारे आसपास कार्बन है किसी भी तरह से, चाहे वो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारे आसपास घूम रहा है, चाहे वो कार्बन हमारे पास ग्लूकोज के रूप में चला आता है C6H12O6, या फिर वो कार्बन चीनी के रूप में हमारे सामने हो C12H22O11, या फिर हमारी पूरी की पूरी बॉडी ही कार्बन से बनी हुई है, बहुत सारा कार्बन हमारी बॉडी में भी होगा, जो भी चीजें देखते हैं पेड़ पौधे लकड़ी वगैरह सब कुछ कार्बन से ही बना हुआ है, उसमें और भी चीजें हैं लेकिन कार्बन बहुत ज्यादा है, और मैंने केमिस्ट्री पढ़ा है तो जानते हो गए ये सब। तो जो भी कार्बन हमारे सामने आए, चाहे इस रूप में आए, चाहे इस रूप में आए, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आए, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में आए, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में आए, कहीं पर भी अगर कार्बन है तो उस कार्बन में 99% 98% तक ये वाला कार्बन होता है, कार्बन 12, थोड़ा सा ये भी होता है, करीब ये 1.1% होता है, ठीक है, और थोड़ा सा ये भी होता है, कितना होता है एग्जैक्टली हमें नहीं पता है, इसकी थोड़ी सी जरूरत हमें पड़ी थी कभी, ये हमें याद रह गया कि ये करीब 1.1% होता है, ये और भी कम होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें यही मिलेगा, 100 में से 98 भाग 99 भाग, मतलब अगर 100 कार्बन एटम्स हमारे पास रखे जाए और आंख बंद करके हम उसमें से एक उठाएं, समझ रहे मेरी बात ना, कार्बन के 100 एटम्स हमारे पास रखे जाए और आंख बंद करके हम किसी एक को उठा लें तो 98 टाइम किसी को हाथ में आने का चांस रहेगा, इसके आने का चांस सिर्फ एक बार है, सिर्फ 1% है, इसका आने का चांस और भी कम है, क्योंकि और भी कम है, ठीक है। तो जब हम कार्बन के ढेर में से कोई एक कार्बन उठाएंगे आंख बंद करके तो 99 टाइम्स यही वाला हमारे हाथ में आएगा, इसी का चांस सबसे ज्यादा है, इसका चांस कम है, इसका चांस कम है, क्योंकि जो नेचर में कार्बन है उसमें इसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है, इसका कम है, इसका और भी कम है। इसी तरह से सबके साथ होता है कि सोडियम 23 और 24 दोनों है तो ये बहुत ज्यादा है, 99% से भी ज्यादा होता है, ये बहुत कम है, ठीक है। इसी तरह से क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स नेचर में मौजूद है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स मौजूद है, एक है क्लोरीन 35 और दूसरा है क्लोरीन 37। 35 और 37 क्या है?
मास नंबर, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का तुमको अपने से पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर 17 एंड 17, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर चेंज हो गया। प्रोटॉन 17 इसमें भी है, 17 इसमें भी। न्यूट्रॉन निकालोगे तो 35 में से 17 को माइनस करो कितना जाएगा, 18 आएगा। तो इसमें 18 न्यूट्रॉन और इसमें दो और ऐड कर दो तो 19 न्यूट्रॉन, ठीक है ना। प्रोटॉन सेम है लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग है। 35 वाला जो है 75% नेचर में 75% है और ये जो है 25% है। मतलब रेशियो क्या है, 3:1। ये फ्यूल में से आग बंद करके अगर क्लोरीन उठाओ तीन बार हाथ में, इसको आने का चांस रहेगा और इसका आने का चांस सिर्फ एक बार है। इसी तरह से ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन के भी दो आइसोटोप्स पाए जाते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 35 और आइसोटोप्स है 79 है 81, ठीक है। ये दोनों 50-50% होते हैं, ब्रोमीन 39 एंड ब्रोमीन 81। 50-50% मतलब 1:1, जितना ये है उतना ही ये भी है। तो आग बंद कर दिया, अगर कहीं से एक ब्रोमीन उठाए तो दोनों के हाथ में आने का चांस इक्वल है। तो यही है नेचुरल एबंडेंस। एबंडेंस का थोड़ा स्पेलिंग सभी लोग अपने अपने डिक्शनरी में चेक करने की कोशिश करना, क्योंकि हमें लिखा तो हमने अच्छे से ही है, अपने ज्ञान के अनुसार खूब अच्छे से लिखने की कोशिश की है, फिर हो जाता है कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है। तो स्पेलिंग जरा मैच करो, हमने स्टार लगाया है, ओके। तो नेचर में कोई भी एलिमेंट है उसके कई आइसोटोप्स मिल सकते हैं, कितना कितना परसेंट है आइसोटोप का उसी को बोलते हैं नेचुरल एबंडेंस। कि कार्बन का एबंडेंस कुछ ऐसा स्टोरी है, क्लोरीन 35 और 37 का कुछ ऐसा स्टोरी है, ब्रोमीन 79 और 81 का कुछ ऐसा स्टोरी है। तो सबका वैल्यू हम याद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ दिमाग में एक बात तो हो सकती है ना कि नहीं, अगर कार्बन है सिर्फ एक तरीके का नहीं है, कार्बन तीन तरह का है, ये वाला भी कुछ होगा, ये वाला भी कुछ होगा, ये वाला भी कुछ होगा, कितना होगा ये हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये आइडिया तो रहेगा ना कि तीन तरह के कार्बन है और तीनों में डिफरेंस किस चीज का, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है क्या, नहीं। प्रोटॉन का डिफरेंस है क्या, नहीं। डिफरेंस किस चीज का है भाई, न्यूट्रॉन का डिफरेंस है। मतलब जो डिफरेंस है दो पार्ट में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन, तो डिफरेंस यहाँ इलेक्ट्रॉन का नहीं है, डिफरेंस जो है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर कोई डिफरेंस नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंस है। और हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो रिएक्शन है वो इस इलेक्ट्रॉन से कंट्रोल होता है। कार्बन कैसा रिएक्शन करेगा उसके इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। केमिकल बॉन्डिंग में तुम लोगों ने अपडेट रूल पढ़ा है, उसमें कहीं तो ऐसा नहीं बताया था कि न्यूक्लियस से रिएक्शन होता है। हमने कहा था ना कि जिसका अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो रिएक्शन नहीं करेगा, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए हर तरह से मेहनत करेगा, रिएक्शन करके ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। तो रिएक्शन यहां से नहीं, यहां से कंट्रोल होता है। इसमें भी वैसा ही इलेक्ट्रॉन है, वैसा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है जैसा कि इसमें और इसमें है। तो ये तीनों के रिएक्शंस एक जैसे होंगे, जैसा रिएक्शन ये करेगा वैसा ही रिएक्शन ये करेगा, वैसा ही रिएक्शन ये करेगा। हाँ, न्यूट्रॉन की वजह से इसका वजन थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, इसका वजन थोड़ा सा कम है, इसका वजन थोड़ा और कम है। मास नंबर इसको कहते हैं, तो ये सीधे सीधे मास को बता देता है। इसका मास लगभग लगभग 14 AMU होगा, इसका मास लगभग लगभग 13 AMU होगा, इसका मास जो लगभग 12 AMU होगा। तो तीनों के वजन में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा भारी, थोड़ा हल्का, थोड़ा और भी हल्का, लेकिन रिएक्शंस तीनों एक जैसे ही देंगे। जैसा रिएक्शन ये वाला कार्बन करेगा, कार्बन 12 करेगा, वैसा ही रिएक्शन कार्बन 13 करेगा, वैसा ही रिएक्शन कार्बन 14 करेगा। जैसा रिएक्शन क्लोरीन 35 करेगा, वैसा रिएक्शन क्लोरीन 37 भी करेगा। जैसा रिएक्शन ये वाला ब्रोमीन करेगा, वैसा रिएक्शन ये वाला ब्रोमीन करेगा। जैसा रिएक्शन 56 वाला आयरन करेगा, वैसा ही रिएक्शन 57 वाला आयरन भी करेगा। लेकिन न्यूक्लियस के अंतर की वजह से थोड़ा सा हैवीनेस चेंज हो जा रहा है, ये थोड़ा भारी है, थोड़ा हल्का है, थोड़ा और हल्का है। तो इससे रिएक्शन का स्पीड थोड़ा सा चेंज हो जा सकता, हो सकता है। जैसे मोटा आदमी होता है थोड़ा धीरे धीरे दौड़ पाता है, दुबला पतला होता है तो फटाफट दौड़ के भाग जाता है। तो वही बात है कि दोनों काम एक सब एक जैसे ही काम करेंगे, ये सब एक जैसे ही काम करेंगे, रिएक्शन एक जैसे करेंगे, लेकिन हाँ रिएक्शन का स्पीड जो है वो थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है। तो और भी हम बात करेंगे रिएक्शंस के लिए, लेकिन आगे आने वाले क्लासेज में यहाँ थोड़ा हम आइसोटोप पर और भी अभी बात करना चाहते हैं। तो हमारे पास जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, करें ये 99% 98-99%। अब मोर कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर जरा सा तुम याद करो, वहां पर हम क्या करते हैं,
मोल कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, हम मोल का कैलकुलेशन करते हैं। मोल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम, कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, कुछ ऐसा ही करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको मोल में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं। हम कहते हैं कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, एक और ऑक्सीजन उसका एटॉमिक वेट भी 16 रहेगा, तो 12 को दो बार लोगे, सॉरी एक बार लोगे और 16 को दो बार लोगे, 16 प्लस 16 सबको मिला दोगे तो हो जाएगा 44। तो होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 44 है, तो वेट 88 और मॉलिक्यूलर वेट 44, 88 को 44 से डिवाइड किया और आंसर आ गया हमारा 2 मोल। 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। हमने किया कैसे, मॉलिक्यूलर वेट निकाला। मॉलिक्यूलर वेट कहां से लाया, एटॉमिक वेट से। ये जरा 12 देखो, यही तो है, ये जो 12 यूज कर रहे हो ना, ये यही वाला 12 है। तो तुम लोग प्रश्न पूछ सकते हो 12 ही क्यों लिया, 13 और 14 क्यों नहीं लिया भाई, समझ रहे हो ना। कार्बन का जो एटॉमिक वेट हमने यहाँ यूज किया है, अब हम मोल कॉन्सेप्ट में एटॉमिक वेट यूज करते हैं, कार्बन का तो 12 यूज करते हैं, लेकिन कार्बन का वेट तो 12 भी होता है, 13 एएमयू भी होता है, 14 एएमयू भी होता है। तो हम 12 वाला ही क्यों ले रहे हैं, 13 वाला और 14 वाला क्यों नहीं ले रहे हैं। तो आंसर है कि हम जो है एवरेज लेते हैं, हम 12 भी नहीं लेते हैं, हम एवरेज लेते हैं, समझ रहे हो। हम क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं। अब 12 13 14 का एवरेज जब निकालेंगे तो ये बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा है, 98 to 99%। इसीलिए जब इसका एवरेज निकालेंगे तो रिजल्ट जो है 12 के ही करीब आएगा, और इसीलिए हम रफली 12 यूज कर लेते हैं। एक्चुअल वैल्यू 12 point something something होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा और ज्यादा या कम होना चाहिए, एग्जैक्ट 12 नहीं होता, लेकिन वो डेसिमल वाला हिसाब छोड़ करके लगभग 12 को एग्जैक्ट ले लेते हैं। तो कोई भी एलिमेंट का जब उसका मास चेक करोगे पीरियडिक टेबल में तो उसमें डेसिमल के साथ लिखा होता है, लेकिन हम लोग उतना टाइट कैलकुलेशन नहीं करते हैं, हम लोग डेसिमल वगैरह थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं और कार्बन को सीधे सीधे 12 देते हैं। तो ये 12, ये वाला 12 नहीं है, याद रहे, कंफ्यूजन हो सकता है कि ये वाला 12 का तो आंसर नहीं, हमको तीनों का एवरेज देना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, कि इसका जो मास है, इसका जो मास है, इसका जो मास है, एवरेज निकालो, इसका परसेंटेज P1, मास M1, इसका परसेंटेज P2, मास M2, इसका परसेंटेज P3 और मास M3, सब लग दो 100 से डिवाइड करो, तो जो नया एवरेज मास आएगा या मीन मास आएगा वो हम यहां पर यूज करते हैं। तो जब कैलकुलेट करेंगे 12 को 99% रखेंगे, इसको करीब 1% के आसपास रखेंगे, तो आंसर 12 point something something आएगा। अब उस समथिंग को छोड़ दो तो सीधा 12 हो जाता है। इस एग्जाम्पल को हम और भी क्लियर कर सकते हैं क्लोरीन के केस में। ये क्लोरीन का केस जो है, यहां पर अगर इसी फॉर्मूले को अप्लाई करें तो वहां दो आइसोटोप है, 75 and 25, तो इसका एवरेज मास कितना आएगा, 75% मल्टीप्लाइड बाय 35, जिसका मास 35 है वो 75%, तो है ना, परसेंटेज इनटू मास, 75% जिसका मास कितना है 35, 25% जिसका मास जो है 37 है, टोटल मिला के 100% हो गया ना, 75 और 25 मिला के 100% हो गया। इसको सॉल्व करो, 100 से डिवाइड कर दो तो सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा 35.5 आएगा। इसीलिए जब भी कैलकुलेशन करते हैं मोल कॉन्सेप्ट में, क्लोरीन का जो हम एटॉमिक मास यूज करते हैं, ना तो 35 यूज करते हैं और ना ही तो 37 यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, दोनों का एवरेज 35.5। ब्रोमीन के केस में, ब्रोमीन अभी हमने लिखा था, ये ब्रोमीन क्या है भाई, ब्रोमीन 79 भी है और ब्रोमीन 81 भी है, दोनों 50-50 है, ठीक है ना, 50% ये भी है, 50% ये भी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखो ये 80 से एक कम है और ये 80 से एक ज्यादा है। जैसे मान लो हमने 9 रुपए कहीं से हम लाते हैं, तुम 11 रुपए लाते हो, ठीक है ना, हम 9 रुपए लाए, तुम 11 रुपए लाए, फिर हम 9 रुपए लाए, फिर तुम 11 रुपए लाए, तो दोनों क्या है कि हम 10 से 1 रुपए कम ला रहे हैं, तुम 10 से 1 रुपए ज्यादा ला रहे हो, दोनों का एवरेज मिला दो, 11 और 9 को जोड़ो कितना हो गया 20, 20 को दो भागों में डिवाइड कर दो, तो एवरेज क्या है कि 10 रुपए तुम लाए, 10 रुपए हम लाए,
हालांकि हम लोग 10-10 रुपया नहीं लाए, हमने 11 लाया है, हम 9 लाए हैं, लेकिन जब एवरेज निकाल रहे हैं तो वो कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। तो वही बात है कि इसका जो मास है 79, इसका मास 81, ये 80 से एक कम, ये 80 से एक चलता। तो जब इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तो एवरेज जो है 80 आ जाएगा। कैलकुलेट करते देखो तो कितना हो जाएगा, इसका एवरेज मास ये हो गया 50% ये वाला है मल्टीप्लाइड बाय 70 है, प्लस 50% ये वाला है मल्टीप्लाइड बाय 81 डिवाइडेड बाय 100। तो 50 और 50 तो कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बच गया, 79 प्लस 81 डिवाइडेड बाय 100। तो ये दो बार में कैंसिल हो जाएगा और इसको जोड़ दो 160 हो जाएगा। 160 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा 80, ठीक इन दोनों के बीच में, समझ रहे हो ना। ये 79 है, ये 81 है, और यहाँ इसको कैलकुलेट करो कितना आंसर आ गया, 80 आ गया, 80 आ गया, इन दोनों के ठीक बीच में। तो ये है एवरेज। तो जब भी हमें मोल कॉन्सेप्ट में कहीं पर ब्रोमीन का एटॉमिक वेट यूज करना होता है तो हम ये नहीं यूज करते, हम ये नहीं यूज करते, दोनों का एवरेज यूज करते हैं 80। क्यों ये, क्यों एवरेज यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम जो ब्रोमीन यूज कर रहे हैं अपने रिएक्शन में न तो वो ये है न तो वो ये, बल्कि क्या है, दोनों का मिक्सचर है, तो हमें एवरेज देना पड़ेगा। हम जो क्लोरीन यूज कर रहे हैं अपने रिएक्शन में न तो प्योर ये है न तो प्योर ये है, दोनों का मिक्सचर है 75:25% रेशियो 25%, इसीलिए हमें एवरेज लेना पड़ेगा, ठीक है। कार्बन यूज कर रहे हैं वो भी मिक्सचर है, लेकिन मिक्सचर में लगभग 99% ये है, इसीलिए जो एवरेज का वैल्यू आएगा वो 12 के ही क्लोज आएगा, तो इसीलिए हम 12 यूज करते हैं। और तुम्हें ये कंफ्यूजन हो सकता है कि हम 13 और 14 क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, तो आंसर है कि 13-14 का भी एवरेज निकाला है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा फॉर्मूले से वो 12 point something आएगा, और समथिंग छोड़ दिया तो 12 बच गया जिसका यूज हम करते हैं। और हमें ये गलत एहसास हो सकता है कि हम इसी का यूज क्यों कर रहे हैं, दोनों का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आंसर है हम सबका यूज कर रहे हैं, एवरेज निकाले हैं, लेकिन जो एवरेज का रिजल्ट है वो 12 point something है, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है नेचुरल एबंडेंस का मतलब, कि कोई भी आइसोटोप, मतलब कोई भी एलिमेंट जो है नेचर में अकेले नहीं है, उसके कई आइसोटोप्स हैं, और जब हम केमिकल कैलकुलेशन में उसका एटॉमिक वेट यूज करते हैं तो हम इसका वेट नहीं यूज कर सकते, हम इसका वेट नहीं यूज कर सकते, हमें एवरेज निकाल करके यूज करना पड़ेगा, हमें एवरेज निकाल करके यूज करना पड़ेगा, हमें एवरेज निकाल करके यूज करना पड़ेगा। हाँ, अगर दे दिया जाए कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमने दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड से हमने रिएक्शन कराया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल नहीं है, स्पेशल है, इसमें सभी कार्बन इस तरह के हैं, इस तरह का कार्बन बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह का कार्बन बिल्कुल भी नहीं है, सभी कार्बन सिर्फ ऐसे वाले हैं, तब उसका एटॉमिक वेट हम 13 यूज करेंगे, 12 नहीं यूज करेंगे। अगर दे दिया जाए कि हम एक रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन का या HCl का या किसी भी चीज का जहां पर क्लोरीन है, और वो कोई नॉर्मल क्लोरीन नहीं है, स्पेशल क्लोरीन है जिसमें 100% सिर्फ यही वाला है, ये वाला बिल्कुल भी नहीं है, तब हम एवरेज नहीं यूज करेंगे, तब हम सीधे 35 यूज करेंगे, समझ लो मेरी बात ना। अब हम एटॉमिक वेट का जो यूज करेंगे वो एवरेज नहीं होगा, वो सीधा ये वाला होगा। हमें दे दिया जाए कि ब्रोमीन से हम एक रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, एक रिएक्शन इसमें ब्रोमीन शामिल है, लेकिन वो ब्रोमीन नॉर्मल ब्रोमीन नहीं है जो नेचर में पाया जाता है, वो क्या है, स्पेशल ब्रोमीन है, सिर्फ ये वाला ब्रोमीन है, तो हम एवरेज नहीं यूज करेंगे उसका एटॉमिक वेट, हम क्या करेंगे 79 यूज करेंगे। अगर स्पेशल ब्रोमीन ये वाला है तो हम इसको यूज करेंगे। तो ये है कॉन्सेप्ट कि जब हम एटॉमिक वेट कहीं अब यूज करेंगे तो दिमाग में ये बात आना चाहिए। इस क्लास से पहले तो ये बात तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आई होगी, लेकिन अब तुमने जब ये क्लास पढ़ ली है तो कभी भी एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट ये सब यूज करो तो इस बात का ध्यान रखना कि हम जो वैल्यूज यूज करते हैं वो एवरेज होता है, और कुछ स्पेशल केसेज में जरूरत पड़ सकती है कि हम एवरेज वैल्यू यूज न करें। जब हम स्पेशल इस क्लोरीन के साथ काम करेंगे तो हमें एवरेज यूज करने की जरूरत नहीं है, जब हम स्पेशली इसी ब्रोमीन के साथ अकेले काम कर रहे हैं कैलकुलेशन में तो हमें एवरेज यूज करने की जरूरत नहीं है। हम इसके साथ काम कर रहे हैं स्पेशली या इसके साथ काम कर रहे हैं स्पेशली या इसके साथ काम कर रहे हैं स्पेशली, तो हमें एवरेज यूज करने की जरूरत नहीं है। तो न्यूक्लियस जो है वो भी रिएक्शन के ऊपर थोड़ा फर्क डालता है कि इनका वजन अलग अलग है, इसीलिए रिएक्शन तो सब एक जैसे होंगे, लेकिन हो सकता है कि कोई स्लो हो कोई फास्ट, ठीक है। और जब हम एटॉमिक वेट यूज करेंगे तो अगर नेचुरल कार्बन यूज किया है सबका मिक्सचर है, एवरेज यूज करेंगे। अगर कोई स्पेशल कार्बन ले लिया है ये वाला चाहे ये वाला, तब हम एवरेज यूज नहीं करेंगे। यही है इस क्लास का क्या बोलते हैं जूस, मतलब जो अंतिम में होता है कंक्लूजन, सॉरी कंक्लूजन। इस क्लास में इतना हम
देर से चिल्ला रहे हैं, इसका कंक्लूजन यही है कि कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। कार्बन को ही पकड़ लो तो कार्बन तीन तरह का हो सकता है और हमारा जो नेचुरल कार्बन है वो तीनों का मिक्सचर है। तीनों का परसेंटेज कुछ न कुछ होगा जो हम याद नहीं कर सकते हैं, प्रश्न में अगर जरूरत होगी तो दिया जाएगा। एक तो एग्जाम्पल हमें याद हो सकता है, ठीक है, लेकिन पूरा पीरियडिक टेबल याद कर ले कि ये इतना परसेंट है वो इतना परसेंट है ये असंभव है, ठीक है। एटॉमिक नंबर हमें याद रहेगा, मास नंबर हम सबका पूरे पीरियडिक टेबल का मास नंबर याद कर ले ये असंभव है। तो चलो एटॉमिक नंबर याद हो सकते हैं काम करते करते, लेकिन पूरा याद हो जाए ये असंभव है। देन नेचुरल अबंडेंस क्या होता है कि कौन सा आइसोटोप, क्लोरीन के दो आइसोटोप है तो हमारे नेचर में किस आइसोटोप का कितना परसेंट पाया जाता है, इसी नॉलेज को हम नेचुरल अबंडेंस कहते हैं। और इसकी मदद से हम एवरेज एवरेज मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या है, आइसोटोपिक मास, ठीक है ना, नाम भी थोड़ा बता दे, ये आइसोटोपिक मास बोलते हैं। आइसोटोप का मास है तो आइसोटोपिक मास। और ये क्या है, एवरेज आइसोटोपिक मास। तो हम जनरली कैलकुलेशंस में एवरेज आइसोटोपिक मास का यूज करते हैं, और अगर स्पेशल केस आया तो हम एवरेज की जगह प्योर आइसोटोपिक मास का भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ ये क्लास हम खत्म करते हैं। न्यूक्लियस में पढ़ने के लिए भी बहुत सारा चीज है, तो हम फिर से मिलेंगे अगले क्लास में।